हेलो गाइस, इस टाइप के स्टेटस में वीकेंड में स्टॉक ओपन कर लें, उसके बाद क्रिएट न्यू में जाएं, उसके बाद फ्रेम्स रेट सेट करें 9/16 का, उसके बाद मीडिया में से कोई सा भी बैकग्राउंड के लिए एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लें, ब्लैक कलर, वाइट कलर, जो उन सभी आपको अच्छा लगे कोई भी सेलेक्ट कर लें। मैं ऑरेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी खोज रहा हूँ, ये मिल गया मुझे ऑरेंज कलर का, ये मेरा बैकग्राउंड में रहेगा, इसको उतना स्पेस सेट कर लें जितना कि हमको वीडियो बनाना है। जैसे कि अगर मुझे 30 सेकंड में बनाना है 30 सेकंड पर सेट कर लें, 20 का 20 सेकंड पे, 25 का 25 सेकंड पे, उसके बाद आपको जितना वीडियो बनाना है उतना सेट कर लें, उसके बाद लेयर में जाएँ, उसके बाद लेयर में जाने के बाद मीडिया पर जाएँ, मीडिया में जाने के बाद अगर जोन से गाने पर वीडियो बनाना चाहते हो तो उसको एक बार सेट करके चेक कर लें कि कितने सेकंड का है, या आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ऐसे लगा के फ्रेम को सेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसे रिमूव कर लीजिएगा, उसके बाद मैं ये थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम वीडियो के एंड में देख लेंगे, जहाँ तक वीडियो है वहाँ तक वो बैकग्राउंड को रखेंगे, उसके बाद बाकी क्रॉप कर देंगे, जो बचेगा भाग उसको ट्रिम करके स्प्लिट करके बीच जो बाकी का लास्ट का होगा वो ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद मीडिया में जाएंगे, उसके बाद मीडिया में जाके फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, जो फोटो हमें लगाना होगा, मैं म्यूजिक में जो फोटो हमें डालना होगा उसको फोटो सेलेक्ट करने के बाद उसको जूम कर लेंगे। करीब 4 सेकंड का फोटो आता है, अगर आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 4 सेकंड का लगाते हैं तो ठीक है। उसके बाद फोटो को जूम कर लेंगे और उसको एक फोटो को एक साइड से कर लेंगे, और उसके बाद फिर फोटो की दूसरे फोटो एक फोटो के बाद दूसरा फोटो ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे के बाद तीसरा ऐसे करके सारे फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, 4-5 फोटो, जितनी फोटो में आपका बैकग्राउंड फुल हो जाए जहाँ तक आपका म्यूजिक आ रहा था वहाँ तक, या आपको जितना मन उतना तक सेट कर सकते हैं। इसी तरह हम फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और वीडियो को मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए दूसरा फोटो सेलेक्ट कर लिया, तीसरा फोटो सेलेक्ट कर लिया, फोटो को जूम करके एक साइड की तरफ कर देंगे, जो साइड से हम वीडियो को फॉरवर्ड करना चाहते हैं एक साइड फोटो को एक साइड कर देंगे, उसके बाद फिर क्या दूसरी फोटो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसको भी जूम करके उसको भी एक साइड से कर देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट फोटो सेलेक्ट क्लियर पर जाएंगे, फिर से मीडिया में जाएंगे, फिर से फोटो दूसरा सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको जाके फिर से जूम कर लेंगे, फिर से एक साइड से कर देंगे फोटो को। उसके बाद हम इसी तरह से फोटो को लास्ट वीडियो के वीडियो जहाँ तक मैं गाना बनाना चाहते हैं वहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कर देता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद हम फोटो को स्टार्टिंग में जाएंगे और फोटो पहली वाली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, और की वाले बटन जो साइड में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा की बटन, उसको इससे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम फिर फोटो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और उस पर एक प्लस का चिन्ह आ रहा होगा हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपको राइट साइड में, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही उस पर क्लिक करने के बाद फोटो को रिमूव करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर, और अगर आप राइट से लेफ्ट चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोटो भी ऐसा होने के बाद फिर हम फोटो को लास्ट में जाएंगे, फोटो को लास्ट में जाएंगे और वहाँ पर फिर प्लस प्लस आइकन वाले पर क्लिक करेंगे, फिर फोटो को लेफ्ट से राइट की ओर करेंगे जैसा हमने पहले किया था उसको अपोजिट करेंगे। उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद इसको टिक कर लेंगे, मतलब ये हो गया, उसके बाद हम सेकंड फोटो पे जाएंगे, दूसरी वाली फोटो पे जाएंगे, और इसी प्रोसेस को दोबारा से दोहराएंगे, की पर बटन क्लिक करेंगे, फिर प्लस वाला आइकन क्लिक करेंगे, फिर फोटो को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर पहले तो वो प्लस वाला आइकन नहीं दिखा, फिर थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करेंगे फोटो को तो प्लस वाला आइकन आ जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको लेफ्ट से राइट कर लेंगे, फिर उसके बाद फोटो को लास्ट में जाएंगे और फिर प्लस वाला आइकन आएगा, फिर उसके बाद फिर उस पर से लेफ्ट से राइट पर फोटो लेंगे, उसके बाद टिक कर लेंगे। इसी तरह हम ये प्रोसेस सारे फोटो पे करेंगे। वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जब देखने जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देते हैं, नहीं तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे इस तरह से देखिए कि ये हो गया है, ये फोटो करके सब पे ये प्रोसेस दोहराएंगे बार बार, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, प्लस वाला आइकन में जाकर फिर से वही फोटो प्रोसेस करेंगे। के बाद फिर हम लेयर पे जाएंगे, फिर से मीडिया में जाएंगे और फिर से वो वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे,
जो हम इसमें लगाना चाहते हैं, या फिर बेडरूम में कुछ लाइट्स के लिए हम उसको सेट कर लेंगे, उसके बाद उसको जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे और ब्लेंड ऑप्शन होगा एक, ब्लेंड में जाएंगे, उसमें ब्लेंड नीचे 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 आ गया, ये रहा ब्लेंडिंग, उसमें जाएंगे फिर नॉर्मल से जाके स्क्रीन पर जाएंगे, स्क्रीन पर जाएंगे और ये ऐसा हो जाएगा, फिर उसको पूरा फुल जूम करके रख लेंगे, मस्त लग रहा है झकास। ये 17 सेकंड का ही था इसलिए, और आप दूसरा लगा सकते हैं, इसी तरह से आप कर सकते हैं। फिर से ये सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लेयर पे जाएंगे, फिर मीडिया में जाएंगे, फिर वो वाला गाना सिलेक्ट कर लेंगे लिखा हुआ, प्यूटो से डाउनलोड कर दीजिएगा या कहीं से भी जहाँ से आप मिले वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। फिर उसके बाद ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे ब्लेंडिंग का ऑप्शन, इसको पूरा साइज मेंशन कर लेंगे जितना बड़ा हमको चाहिए, जिस हिसाब से सेट हो जाए उस हिसाब से सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम ब्लेंडिंग में जाएंगे, ब्लेंडिंग में जैसे कि हमने अभी चेक कर लिया, फिर उसके बाद ब्लेंडिंग में जाकर इसको ब्लेंड करके स्क्रीन कर देंगे, और स्क्रीन करने के बाद जो हमें दिखेगा वो सिर्फ लिखा हुआ दिखेगा और वो नहीं दिखेगा। ब्लेंडिंग स्क्रीन कर दिया मैंने, तो देखिए आप सिर्फ लिखा हुआ हमें दिखेगा। देख सकते हैं कि इसके बाद हमारी वीडियो कितनी मस्त लग रही है, ये मैं चला रहा हूँ, ये कितना ऑसम लग रहा है, सुपर लग रहा है। इसके बाद फिर कुछ नहीं, बस वीडियो को सेव करना है। एक बटन दिख रहा होगा राइट साइड में, ऊपर में एक बटन दिख रहा है, उस पर जाएंगे क्लिक करेंगे, उससे ऑप्शन आ गया, उसके आप क्वालिटी सेव कर लीजिए, हाई क्वालिटी 60 FPS पे 60 FPS कर लें, या HD 180p पे है तो वो सिलेक्ट कर लें, या 60 FPS पे कर लें, और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें, उसके बाद आपकी वीडियो हो जाएगी सेव। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो उस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के तमाम वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।